नेक्स्ट देखें, इक्विवेलेंट की कंडीशन लगाने के बाद ये दोनों चीज़ें तो जो क्वेश्चन में दी थी हमने लिख ली है। इसके बाद देखें, अगर आपके पास जी भी कोई फंक्शन था आपके पास जो कि इक्विवेलेंट था, इसका मतलब ये है कि जी वन वन भी है, जी ऑन टू भी है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन आपके पास बच्चों इक्विवेलेंट होता है, इसका मतलब ये होता है वो फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है। यहाँ पे हमें उन्होंने खुद कहा हुआ है कि ये दोनों मैपिंग आपके पास इक्विवेलेंट है, तो मैपिंग का नेम हमने एफ और जी दिया था। इसका मतलब गिवन फंक्शन एफ भी हमारे पास बाइजेक्टिव है, गिवन फंक्शन जी भी बाइजेक्टिव है। हम इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके बेसिकली ये चीज़ शो करवाना चाह रहे हैं कि ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, हमने ये रिलेशन इसके अंदर से फाइंड आउट करना है। ये चीज़ लिखने के बाद देखिए, हमारे पास अभी बात यहाँ तक हो रही थी कि ए, हमारे पास अभी तक ये बात हुई थी कि अगर बी वन बी का कोई सबसेट है तो जो हमारे पास एफ फंक्शन था वो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी वन था। फिर हमने सेकंड बात ये कही थी कि अगर ए वन ए का कोई सबसेट है तो जी ऑफ बी आपके पास इक्वल है ए वन के। यही बात कही थी। अगर इसी चीज़ को नोटिस करके मैं इसकी चेन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूं, यानी पहले अगर ए का एक सबसेट लिया था, उसी के रिस्पेक्ट से अगर मैं दूसरा सबसेट बता दूं, बेसिकली मैं चेन को इंक्रीज़ करके ये बताना चाह रही हूँ कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन में जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है वही उन दोनों के कम्बिनेशन में होल्ड करती है। तो देखें, आपने पहले एक सबसेट लिया था, अगर एक सबसेट इसके इक्विवेलेंट है तो जाहिर सी बात है उस सबसेट का भी अगर मैं कोई सबसेट लूँ तो वो उसके दूसरे सेट के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि आपके पास जो मैप उन्होंने डिफाइन किया था, जी आपके पास बी से ए कोई मैप डिफाइन किया है, अगर ये किसी बी वन के लिए आपके पास किसी ए वन के इक्वल आता है किसी बी के लिए, जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं बी की जगह इसका कोई और एलिमेंट कर लूँ, लेट से बी वन कर लूँ, तो वो किसी ना किसी दूसरे सबसेट के इक्विवेलेंट आएगा। अगर मैं बी की जगह कोई तीसरा एलिमेंट बी टू ले लूँ तो वो किसी ना किसी तीसरे सबसेट के इक्विवेलेंट आएगा। अब एक फंक्शन जब है ही आपके पास बाइजेक्टिव है, अगर बी लूँगे वो ए वन के इक्विवेलेंट आएगा, बी वन लूँगी ए टू के आएगा, यानी किसी ना किसी एलिमेंट पे कोई ना कोई एलिमेंट वो ज़रूर मैप कर रहा होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इस चेन को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, मैंने कह दिया कि ए वन अगर सबसेट इस टाइप का था उसके लिए कंडीशन होल्ड कर रही थी, तो अगर मैं उसका कोई और ए टू सबसेट भी ले लूँ तो ए टू के लिए भी मेरे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन है, हर इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये कंडीशन लिख ली, ये कंडीशन लिखने के बाद हम उसकी कंपोजिशन चेक करते हैं, क्या कंपोजिशन में पास ये चीज होल्ड करेगी। अब देखें, ये g ऑफ b1 इक्वल टू a2 था, अगर मैं b1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं, पीछे मैंने कहा है हमारे पास, देखें यहां पे b1 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है कि b1 इक्वल टू f ऑफ a होता है आपके पास, तो मैं अगर b1 की जगह उसकी वैल्यू लगाऊं या g ऑफ f ऑफ a आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ a को मैं आपस में कंपोज करके g ऑफ f इनटू a लिख सकती हूं, ऐसे कि g ऑफ f a इनटू a2 है। यानी कि देखें, यहां से अगर दो फंक्शन कंपोज हो रहे हैं देन वो भी कंपोज हो गया, आपको किसी ना किसी पे एक आपका मैप कर रहे हैं एलिमेंट, इसका मतलब ये है आपके पास g ऑफ f भी 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। g ऑफ f 1 1 ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ था कि आपका पहला मैप भी इक्विवेलेंट है, दूसरा भी इक्विवेलेंट है, तो अगर एक फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, दूसरा फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, आप उसकी कंपोजिशन की बात करें तो उसकी कंपोजिशन भी लाजमी 1 1 और ऑन टू होती है। अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्ट भी 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब ये है कि वो यहां से यहां पे आपके पास इस सेट के ऊपर इक्विवेलेंट आ रहा है। जैसे कि देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि जी बी से ए पे है, तो हमने कहा था जी ऑफ बी अगर ए वन आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये बी और ए वन आपस में इक्विवेलेंट है। तो जाहिर सी बात है, अगर जी ऑफ एफ ए को ए टू पे मैप कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये वाला ए और ये वाला ए टू, ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे। अब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो हमें पता है दो सेट अगर आपस में इक्विवेलेंट हो तो उसकी कार्डिनलिटी इक्वल होती है। कार्डिनलिटी इक्वल होती है तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए टू होगी। और इस रिलेशन पे अगर गौर करूँ, अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनकी कार्डिनलिटी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से मैं ये चीज़ भी कह सकती हूँ कि हमने पीछे पढ़ा था कि ए वन, अगर इन दोनों की कार्डिनलिटी आपस में इक्वल है, तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए वन और ए इन दोनों की कार्डिनलिटी भी इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये इसका सबसेट है, जो जिसका सबसेट हो वो उसके इक्विवेलेंट भी होता है। अगर इसके इक्विवेलेंट है तो इन दोनों की कार्डिनलिटी भी इक्वल होगी। यहाँ से आप इसे इक्वेशन नंबर फोर का नेम दे दो। पीछे आपने पढ़ा था जी ऑफ बी इक्वल टू ए वन है, अगर ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट है, आप यहाँ से कह सकते हो बी की कार्डिनलिटी ए वन की इक्वल होगी। आपने ए को बेसिकली डिस्ट्रॉय ही ए वन की फॉर्म में इसलिए किया था ताकि आप पहले वाले के इक्विवेलेंट रिलेशन से और इस वाले के इक्विवेलेंट रिलेशन से दोनों की कार्डिनलिटी को कंपेयर करके कह सको कि दोनों आपस में इक्वल आते हैं। आपने इस रिलेशन से बता दिया अगर इन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, तो सारी सी बात है इन दोनों की कार्डिनलिटी भी इक्वल होगी, और जो पीछे इक्विवेलेंट रिलेशन हमने पहले हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की भी इक्वल आती है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास ये चीज शो हो जाती है कि ए का कार्डिनल नंबर बी के कार्डिनल नंबर के इक्वल है। किसी भी दो सेट का अगर कार्डिनल नंबर इक्वल हो, तो वहां से वो चीज़ प्रूव हो जाती है कि वो दोनों सेट्स आपस में इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली यहां से हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव हो गई है।
हमने ये सारे का सारा काम इसीलिए किया था, जो स्टेटमेंट दी हुई थी पहले हमने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारी बात लिखी इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल मेथड। लिखने के बाद हमने दूसरे वाले सेट में एक नई चेन इंट्रोड्यूस करवाई, नई चेन इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई ताकि हम इस वाली चीज़ और इस वाली चीज़ का रिलेशन बना सकें। जब इस वाली चीज़ का रिलेशन बन गया ए के साथ, तो आपने कहा कि ये वाले दोनों इक्विवेलेंट थे, इन दोनों का कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा, वहाँ से कहा इन दोनों का कार्डिनल नंबर भी इक्वल होगा, इन दोनों को फिर आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद यहाँ से आपने बता दिया ए और बी का कार्डिनल नंबर इक्वल आ रहा है, अगर इन दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये कि दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट शो हो गए हैं। तो पेपर में अगर आपको थ्रू स्टेटमेंट कह दिया जाए कि कैंटर-श्क्रोडर थ्योरम आप लोग स्टेट एंड प्रूव करो, तब भी यही प्रूव करोगे। अगर दो सेट कह दिया गया इक्विवेलेंट शो करवाएं तब भी आप यही काम करोगे। अदरवाइज अगर दो सेट का कह दिया गया इन जनरल कार्डिनल नंबर इक्वल प्रूव करें बच्चों, तब भी आपने यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपके इस थ्योरम का प्रूफ बच्चों कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपके साथ कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करती हूँ।